तो फिर इसी बात पे सेलिब्रेशन करते हैं। आज तुम्हारी बेटी की बर्थडे है, केक तो काटें। आओ बेटा केक काटें। भाभी केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फरवा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप इस दरबार की बातों को दिल पे मत लें। वो एक इंतहाई घटिया शख्स से पता नहीं क्या कुछ कह गया। ठीक ही तो कह रहा था अरबाज, मेरी औकात ही क्या है, कितना बेबस हो गया हूं मैं सन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना मजबूर हो जाऊंगा कि बेटी को छोटा सा तोहफा देने के भी काबिल नहीं रहूंगा। नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा मैं फरवा से। देखो सानिया मैं कितना बदनसीब हूं, बदनसीब बाप हूं मैं। ऐसा तो मत कहें आप, बुरा वक्त है अमाद, गुजर जाएगा। गुजर ही तो नहीं रहा, बस पल पल तड़पा रहा है। सब रेत की तरह मेरे हाथों से फिसल गया है सानिया, कुछ नहीं बचा सिवाय इन खाली हाथों की लकीर। मैं हार गया सानिया, सब कुछ मुझसे तमाम बर्बाद हो गया, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे किया हुआ वादा नहीं निभा पाया, माफ कर दो मुझे। बस करें, मैं खड़ी हूं ना आपके साथ, हर अच्छे बुरे वक्त में तो किस्मत का काम है आपको। और जब आपने बुरा किया ही नहीं है तो खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? अब बस खुद को संभाले, मेरे लिए, परवा के लिए। हमारा आपके अलावा कोई नहीं है, हमें जरूरत है आपकी अम्माद, खुदा के वास्ते। अब आपके बाबा की इतनी औकात नहीं है कि वो आपके लिए इतना महंगा गिफ्ट खरीद सके। दो दिन है तुम्हारे पास इस घर को खाली करने के लिए।